नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। पहले गुवाहाटी, फिर विशाखापत्तनम और अब पुणे। लगातार तीन मैचों में तीन शतक ठोकने वाले कैप्टन विराट का बल्ला इन दिनों गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहा है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, उनके आगे हर रिकॉर्ड छोटे पड़ते जा रहे हैं। 10,000 रन बनाकर पहले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, फिर लगातार तीन शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। जिस रफ्तार से विराट कोहली रन बना रहे हैं, उससे रफ्तार के सौदागर शोएब अख्तर भी हैरान है। सचिन, सहवाग, लारा जैसे दिग्गज बल्लेबाजों में गेंदबाजी कर चुके पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर विराट की बल्लेबाजी से इतना प्रभावित हुए कि उनके लिए ऐसा टारगेट सेट कर दिया है जहां तक किसी भी खिलाड़ी के लिए पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अख्तर को भरोसा है कि इस टारगेट तक सिर्फ विराट कोहली ही पहुंच सकते हैं। दरअसल 27 अक्टूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान विराट ने 38वां शतक जड़ा तो शोएब अख्तर ने उन्हें रन मशीन बताते हुए ट्वीट कर बधाई दी और उनके लिए 120 शतक जड़ने का टारगेट सेट कर दिया। अपने ट्वीट में अख्तर ने कहा, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, पुणे लगातार तीन शतक जड़ने वाले विराट कोहली अलग ही आदमी है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। वो कितना महान रन मशीन है। 120 शतक का जो टारगेट मैंने सेट किया है, उसे पार करने के लिए बढ़ते रहो। शोएब अख्तर ने विराट कोहली के लिए जो टारगेट सेट किया है, दुनिया का कोई भी खिलाड़ी अब तक उसके आसपास भी नहीं पहुंच सका है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट और वनडे में 100 शतक जड़े हैं। 200 टेस्ट में 51 शतक और 463 वनडे में 49 शतक, जबकि विराट कोहली अब तक 62 शतक जड़कर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जैक स्कॉलिस की बराबरी कर चुके हैं। कोहली 73 टेस्ट में 24 शतक और 214 वनडे में 38 शतक जड़ चुके हैं। सचिन के अलावा कोहली से आगे टेस्ट और वनडे में 63 शतक जड़ने वाले श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा और 73 शतक जड़ने वाले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग हैं।